तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि मॉड्यूलर किचन का दरवाज़ा किस प्रकार आपको बनाना चाहिए, उसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, मान लीजिए कि ये जो आपका बॉक्स है, नज़दीक थोड़ा आ जाइए विवेक, तो मान लीजिए आपका ये बॉक्स है, इसका आपको दरवाज़ा बनाना है मॉड्यूलर किचन कंपनी फिनिशिंग का डोर। तो सबसे पहले इसका जितना भी साइज आएगा उससे 1 इंच या फिर 1.25 इंच बड़ा कट कर लीजिए दरवाज़ा, और दोनों तरफ उसको प्रेसिंग करके रख देंगे। प्रेसिंग रखने के बाद दोस्तों इसको MM में मेजरमेंट करेंगे। कभी भी अगर आपको कंपनी फिनिशिंग डोर बनाना है तो अगर आप MM में कटिंग करेंगे, MM में मेजरमेंट करेंगे, तो 1-1 MM का हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आपका जो काम का फिनिशिंग है या फिर जो काम करते हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। और ऊपर आपको दिखा देते हैं, जो हम लोगों ने दरवाज़ा बना के लगा चुके हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा हाथ से बनाया हुआ है, ये कंपनी से बिल्कुल भी नहीं बना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो ये देखिए नज़दीक से, और यहाँ पे भी एक दिखाएंगे थोड़ा सा। तो ये जो है हम लोगों का टेंडम बॉक्सेस का जो मत्था रहता सामने का, वो यहाँ पे लगा हुआ है। इसका भी वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा, और बाकी का वीडियो पड़ा अगर आप चैनल पर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और यहाँ पे विवेक दिखाएंगे तो ये देखेंगे दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल इसका जो फिनिशिंग रहता है दोस्तों, ये पूरा एक्रेलिक सीट है, और इसके धार पे भी हम लोग लगाए हैं। और इसकी किस चीज़ से फिनिशिंग करते हैं, अगर आप एच बेंडिंग लगाते हैं तभी फिनिशिंग कर सकते हैं, और एक्रेलिक सीट भी लगाते हैं तभी कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों मालूम नहीं होगा कि ये हाथ से किया हुआ है या फिर मशीन से किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये 4 डोर हम लोग यहाँ पर भी लगाए हैं, पूरा फुल मॉडल किचन है इसका। पूरा दरवाज़ा या फिर मॉड्यूलर किचन का बनाइए, वार्डरोब का बनाइए, किसी भी चीज़ का आपको बनाना है तो आराम से बना पाएंगे, इस वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको इंट्रो में पहले ही बताएं कि मॉड्यूलर किचन का जो दरवाज़ा दोस्तों हम लोग हाथ से बनाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों वो पहले का इंट्रो था। अब दोस्तों रियल टाइम में आपको बता रहे हैं कि यहाँ का जो मॉड्यूलर किचन हम लोग बनाए, इसका दरवाज़ा बनाने वाले हैं दोस्तों। और कैसे बनाते हैं दोस्तों, कंपनी फिनिशिंग दरवाज़ा आपको बनाना है, हाथ से कैसे बना सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट। कंपनी भी उस तरह से आपको दरवाज़ा बना के कभी नहीं देगी। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो अपना एक्रेलिक सीट है दोस्तों, हम लोग फ्रेमिंग पे सब जगह पे लगा दिए, यहाँ पे बॉक्सेस पे दिखा दीजिए विवेक। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो ये देखेंगे तो ये बराबर से सब जगह लग चुका है दोस्तों, इधर दिखा दीजिए सब। और दोस्तों यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये अपना टेंडम बॉक्सेस है, यहाँ पे भी टेंडम बॉक्सेस है, ये सिंक कॉर्नर है दोस्तों, और ये SS कॉर्नर, ये वाटर प्लॉट, इन सब का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ा है, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हो दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसका मेजरमेंट जो है दोस्तों कैसे आपको लेना चाहिए, वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों जो अपना यहाँ पे देखेंगे नीचे का दरवाज़ा, हम मेजरमेंट करने का तरीका आपको बताते हैं। टेप मार लीजिए दोस्तों, टेप मारने के बाद इसका ये दोनों जो वर्टिकल्स है दोस्तों, इसका सेंटर कर लेंगे हम लोग। तो ये सेंटर हो गया दोस्तों। यहाँ पे 2 mm का ग्रु रखने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 mm का मार्किंग कर देंगे, ये दो से 3 mm तक यहाँ पे हम लोग ग्रु रखने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे दिखाएंगे तो अब देखिए भी थोड़ा नज़दीक, ये दोस्तों अगर 18 mm से ज़्यादा है तो आपको जो दरवाज़ा है दोस्तों 0 करंट का इंचेस लगाते हैं, तो 18 mm ही कवर करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, यहाँ तक देखेंगे तो ये नज़दीक देखेंगे दोस्तों, तो ये 845 mm बता रहा है दोस्तों। तो अपना जो कॉपी पे अगर लिखने का तरीका आपको बता देते हैं, देखिए इस तरह का दोस्तों, अगर आपको कहीं दरवाज़ा बनाना है सबसे पहले एक फ्रेम बना लीजिए, जैसे कि आपका किचन में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग को डबल दरवाज़ा आ रहा है, बाद में दोस्तों यहाँ पर ये हो गया बास्केट का साइज़, तो ये हो गया बास्केट का साइज़ दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से जब मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक किए हैं, तो हमारा टोटल जो है दोस्तों 845 mm बता रहा है। जब इसका हम दरवाज़ा बनाएंगे दोस्तों, तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया दोस्तों। अब इसका जो हाइट है दोस्तों वो हम मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों ये 1.25 इंच थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 1.25 इंच तक रहेगा यहाँ से चढ़ने के लिए। तो यहाँ से मेजरमेंट करेंगे दोस्तों यहाँ तक, ये देखेंगे ये नीचे दिखाई विवेक, इसका जो दरवाज़ा दोस्तों वो हम 1700 mm तक लेने वाले हैं हाइट में। अब दोस्तों इस तरह से जो है जितना भी साइज का, अगर आप mm में नहीं लेते इंचेस में लेते हैं, तो इंचेस में चेक कर लीजिए कितना साइज आपको आ रहा, परफेक्ट उतना साइज से कटिंग करेंगे दोस्तों। जो अपना धार पे एक रैली लगाएंगे वो माइनस करके, उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको ट्रिमर मशीन से अच्छा से फिनिशिंग करेंगे, पूरा कंप्लीट बना के दिखाएंगे। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तभी जो आपको समझ में आएगा।
तो दोस्तों अब जो अपना दरवाज़ा कटिंग करना है, जैसे कि आपको बताए हैं स्टार्टिंग में कि एक एक इंच बड़ा रखिए, तो हम उसको एक एक इंच बड़ा पहले से ही प्रेस करके रख दिए थे दोस्तों। अब जितना भी साइज़ का आपका मेजरमेंट आएगा दोस्तों एमएम में, उतना हम कट कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका जो एक धार है उसको बराबर बॉटम में कट कर देंगे दोस्तों। और आप जब कटिंग मशीन चलाते हैं दोस्तों बहुत ही आराम से चलाइए, और जब दोनों तरफ लेमिनेट या फिर एचबेंड आपका एक्रेलिक शीट प्रेसिंग है तो नया ब्लेड से कटिंग कीजिए दोस्तों। और आपका मशीन जो है दोस्तों थोड़ा सा पावर का रहना चाहिए, जिसमें कि 5 इंच ब्लेड आता हो और उसका आरपीएम थोड़ा सा ज़्यादा रहे। मेरा जो मशीन है दोस्तों वो माकिटा कंपनी का है, तो बहुत अच्छा चलता है वो। तो दोस्तों ये देखिए एक धार जो कटिंग करना था दोस्तों हम कट कर चुके हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसका जो अपना दरवाज़ा आएगा, जितना भी साइज़ का आपको दरवाज़ा चाहिए दोस्तों, जितना अगर 2 इंच बेडिंग साइड साइड में लग रहा है दोस्तों उतना माइनस करके कट करेंगे, तो अपना धार पे एक्रेलिक सीट आने वाला है दोस्तों। तो 2 एक्रेलिक बराबर इसको माइनस कर देंगे हम, उसके बाद दोस्तों इसको उतना ही साइज़ का कट कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों ये इसको कटिंग कर देते हैं। दोनों दरवाजे दोस्तों हम लोग एक ही में प्रेस कर दिए थे, 2 दरवाजे एक में है तो 1 इंच बड़ा कीजिए, 2 इंच बड़ा करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों इसको चेक कर लेंगे एक बार, 2 इंच जो अपना एक्रेलिक सीट हो लेके की बराबर से है कि नहीं, तो ये हम चेक कर लेते हैं इसको। तो ये दोस्तों परफेक्ट है। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा दरवाज़ा कटिंग करना है दोस्तों वो भी कट कर लेंगे। 2 दरवाज़ा आपको कट करके दिखा रहे हैं दोस्तों, और बहुत सारा था, जैसे कि आपको दिखाएं फुल मॉडल किचन है तो उसमें बहुत सारा दरवाज़ा था दोस्तों। इसको दोस्तों बराबर एमएम में कट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका जो पट्टी साइड साइड में हम लोगों को लगाना है, एक्रेलिक सीट में से ही कट कर लेंगे हम लोग। जितना भी इसका थिकनेस आ रहा है उससे थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे, यानी कि आधा आधा सूत दोनों तरफ बड़ा रहे, उस हिसाब से इसको कटिंग कर लेंगे हम। ये हो गया दोस्तों, देखिए वही कॉपी है दोस्तों जो हम मेजरमेंट किए हैं उसी हिसाब से इसको कट कर रहे हैं। तो इसको कटिंग कर लेंगे, और मशीन बहुत ही आराम से चलाइए, जब जाके आपको दोनों तरफ चिपिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। ये हम कट कर चुके हैं दोस्तों। ऐसे डोर बनाना बहुत ही ईजी है दोस्तों, आपको मिलाना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी जो आपका काम है वो हो जाएगा। इसमें जो है दोस्तों आपका टाइम भी बचेगा और काम का फिनिशिंग भी एक नंबर रहेगा और बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों अपना जो दरवाज़ा था हम चेक कर लिए इस तरह से दोस्तों। ये पूरा जो दरवाज़ा है हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको जो धार का थिकनेस पे जो भी हमको लगाना है, एच बेंडिंग आता है तो एच बेंडिंग कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो तो बंडल के साथ में ही आता है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक्रेलिक सीट आएगा वो कटिंग करेंगे। अब दोस्तों इसको जो गुनिये में कट कर लेते हैं नीचे की तरफ से, ऊपर दोस्तों हम लोगों का प्रोफाइल हैंडल लगेगा तो ऊपर कट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में कटिंग कर देंगे, ऊपर लगाना भी नहीं पड़ेगा हमको। तो नीचे से इसको गुनिये में कट कर देते हैं दोनों दरवाज़ा। इसी तरह से दोस्तों अपना जो पूरा दरवाज़ा कटिंग करना था वो हम कट कर लेते हैं। तो ये चेक दोस्तों अब कटिंग हो चुका है। देखिए दोस्तों वाइट वाला जो आपको पट्टी दिखा रहे हैं, ये जो दरवाज़ा है दोस्तों लॉक फ्रेम का है, वो भी हम कट किए हैं दोस्तों। तो इसके थिकनेस पे यही लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये पीसेस कट कर लिए हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप भी कट कर लीजिएगा अगर आप बनाते हैं दरवाज़ा तो। उसके बाद दोस्तों इसको प्रोबैंड से इसके ऊपर ही चिपका देंगे। तो अब चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं। ये देखेंगे दोस्तों ये बराबर परफेक्ट कटिंग करके रख दिए हैं। अब दोस्तों जो कटिंग करना था पूरा हम लोग कटिंग करके रख दिए थे पहले ही आपको बताएं। अब देखिए दोस्तों इसके ऊपर ही प्रोबैंड से लगा के टेप डाल दीजिए दोस्तों अच्छा से, और इसको सूखने के लिए टाइम दे दीजिए। तो ये जो अपना दरवाज़ा दोस्तों इस पर हम पूरा लगा के दिखाएंगे अभी आपको। उसके बाद दोस्तों इसी वीडियो में आपको बताएंगे इसको फिनिशिंग कैसे करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कट कर देंगे दोस्तों, ये देखिए। और इसको धार पे ही प्रोबैंड लगा के दोस्तों इसको कपड़े से घिस देंगे, तो ये जो है बराबर से बिल्कुल परफेक्ट पकड़ लेगा। और इसके ऊपर से टेप डाल देंगे दोस्तों। पूरा मॉड्यूलर किचन बन जाने के बाद दोस्तों आपको मालूम भी नहीं होगा कि ये कंपनी फिनिशिंग पूरा काम किया हुआ है कि हाथ से, उसका वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब दोस्तों इसको टेप डाल देते हैं प्रोबैंड लगाने के बाद।
इसको दोस्तों हम लोग तीन तरफ से प्रेसिंग करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ से दोस्तों हम लोगों को प्रोफाइल हैंडल आ रहा है तो ऊपर नहीं लगाएंगे, उसमें ग्रू करके बैठाना है। ये देखिए दोस्तों, ये एक तरफ का हो गया। अभी दोस्तों इस तरफ भी लगा के इसको चिपका देंगे। इसी तरह से दोस्तों अपना जितना भी दरवाज़ा है उसके धार पे जो भी हमको एक्रेलिक शीट लगाना है लगा देंगे। और एच बेंडिंग भी दोस्तों आप लगा सकते हैं, प्रोबेंड से लगा के रख देंगे, बाद में वो जब सूख जाएगा सेम टू सेम प्रोसेस में आप एच बेंडिंग का भी काम कर सकते हैं। और हमको यही कलर में चाहिए था दोस्तों, यही फिनिशिंग में चाहिए था, इसलिए दोस्तों हम लोग ये एक्रेलिक शीट ही इसके धार पे लगा रहे हैं। तो ये हो चुका दोस्तों। और दोस्तों इसको हम लोग ट्रिमर मशीन से साफ करने वाले हैं इसका फिनिशिंग। तो सब तरफ से, चारों तरफ से अगर आप प्रेसिंग कर देते हैं तभी आप आराम से कर पाएंगे, कहीं पे भी जो आपका कोना होता है वो टूटेगा नहीं। अभी हम आपको बताएंगे कैसे आप क्लीनिंग कर सकते हैं, गारंटी है दोस्तों कभी भी नहीं टूटेगा कोना आपका जो है। तो यही प्रेस हो गया दोस्तों। अब एक तरफ से हम लोग इसको लेवल कर लिए थे दोस्तों, अब ऊपर का भी प्रेसिंग कर देंगे इसको। ये देखेंगे दोस्तों, तो ऊपर की तरफ भी हम लोग लगा देते हैं। कवर दोस्तों मत निकालिएगा, हमारा जो फिनिशिंग करने के टाइम पे एक कवर निकल गया था, अगर आप कवर निकाल देंगे तो आपको टेप मार के जो है फिनिशिंग इसका करना पड़ेगा आप ट्रिमर मशीन से आप करेंगे तो। तो इसका जो सामने का कवर है वो रहने दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये इसको भी चिपका देते हैं इस तरह से। जितना भी आपका दरवाज़ा दोस्तों जो हम लोगों का भी है वो हम चिपका दिए हैं। अब दोस्तों इसको बताएंगे कि फिनिशिंग किस चीज़ से आपको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ये जो काम है दोस्तों ये हो चुका, अब चलिए आपको बताते हैं कि इसको फिनिशिंग कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है तो कट कर देंगे इसको हम। आपको दिखाते हैं किस चीज़ से आपको फिनिशिंग करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे नज़दीक आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है अपना ट्रिमर मशीन जिससे कि दोस्तों हम लोग फिनिशिंग करने वाले हैं सब कुछ दोस्तों। स्टार्टिंग में आपको बताएं कि दरवाज़ा किस प्रकार हम लोग बनाएं, कैसे कैसे करना चाहिए, अभी फिर से आपको रिपीट करके बता देंगे। वो वॉइस ओवर में था दोस्तों और हम आपको रियल टाइम पर बोल के बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एक जो बिट रहता है दोस्तों, नज़दीक आ जाइए विवेक, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये भंडारी कंपनी का है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका जो कोड वर्क रहता है दोस्तों वो ये JB2 लिखा है दोस्तों, ये कह के आप मांग सकते हैं दोस्तों। ये हाफ इंच का ब्लेड रहता है, 1/3 लिखा हुआ है, आप देखेंगे नज़दीक से यहाँ पर दिखाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका जो ये बैरिंग का बिट रहता है और ये हाफ कॉर्नर रहता है, इसी से इसका जो फिनिशिंग किया जाता है एच बेंडिंग या फिर जो है एक्रेलिक शीट धार पर कहीं पर लगाते हैं दोस्तों। कंपनी फिनिशिंग डोर बनाना है तो दोस्तों इसी से फिनिशिंग किया जाता है। और देखिए दोस्तों इसमें जो हम लोगों का पहले से लगा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये बिट है जो ये बहुत जो इसका बैरिंग है वो टाइट हो गया है। अब दोस्तों आपको एक अच्छा जानकारी बता देते हैं, बहुत सारे कारपेंटर भाइयों को कमेंट आ रहा था कि ट्रिमर मशीन से लेमिनेट में फिनिशिंग करते हैं तो जो है इसका कलर रहता है वो निकल जाता है। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि जब आप बिट लेते हैं, स्टेट बिट लेते हैं, तो आप चेक नहीं करते हैं कि वो कहीं उसका बैरिंग ज़्यादा बड़ा है कि उसका बिट ज़्यादा बड़ा है। तो ध्यान से चेक कर लीजिए, अगर उसका बैरिंग बड़ा है और ऐसे चला के चेक करेंगे, अगर उसमें बिट में ये जो धार है वो प्लाईवुड में नहीं टच कर रहा है, किसी चीज़ में नहीं टच कर रहा है, तो आपका बिट हो जाए परफेक्ट है। और दूसरा बात है दोस्तों, उसको जब फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग करने के टाइम पर देखिए दोस्तों, अगर ये आपका ट्रिमर मशीन है तो जितना आपका लेमिनेट बड़ा करना है, कटिंग करना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रखिए। या तो आप क्या करते हैं, ज़्यादा बड़ा कर देते हैं उसके बाद फिनिशिंग करते हैं, इसलिए उसका कलर चला जाता है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, कभी भी उसको जब फिनिशिंग करते हैं तो हाथ जो है आपका एकदम से बराबर चलना चाहिए, और जो आपका लेमिनेट चिपका है दोस्तों वो बराबर से उसको चिपका रहना चाहिए। ये नहीं कि कहीं कहीं पर बाहर है, कहीं पर अंदर है, तब उसका जो है कलर निकल जाता है। ये दोस्तों हो गया। अब चलिए दोस्तों इसका जो बीट है हम चेंज करके बताते हैं। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग जो मॉड्यूलर फिटिंग का दरवाज़ा किचन का बना रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो ये रेडी हो गया। नज़दीक से दिखा दीजिए विवेक, ये देखेंगे दोस्तों, तो ये नज़दीक से दिख रहा है, आप थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए। एक्रेलिक शीट इस पर लगाए दोस्तों, आपको दिखाए थे पूरा वीडियो में, बताए हैं इसका फिनिशिंग किस प्रकार से करना चाहिए, किस चीज़।
तो दोस्तों अब देखिए इसका बीट चेंज करने का तरीका बता देते हैं दोस्तों, और इसको सेट करने का भी बताएंगे। और ये बीट दोस्तों 150 रुपये में मिलता है, अगर अच्छा कंपनी का लेंगे तो 200 रुपये भी लग सकता है दोस्तों। इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर ऑफलाइन मार्केटिंग से जाकर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो बीट चेंज करते हैं, और एक भाई का कमेंट आया था कि ट्रिमर मशीन और जो है अपना बड़ा छोटा राउटर मशीन होता है उसमें क्या फ़र्क है वो बताइए। तो दोस्तों देखिए जो ट्रिमर मशीन होता है दोस्तों उससे आप जो बहुत हल्का काम कर सकते हैं, और छोटा फिनिशिंग के लिए बहुत बेस्ट रहता है। आपका जो बहुत कम वेट रहता है तो कहीं पे जो है चला सकते हैं। बड़ा ट्रिमर मशीन जो होता है दोस्तों बड़ा जो आपका राउटर मशीन होता है उससे जो हैवी काम किया जाता है, जैसे कि आप कार्बन करना है डोर में, या फिर पातम निकालना है, या फिर दूसरा कुछ काम करना है, तो बड़ा मशीन उससे वो काम कर सकते हैं। ट्रिमर मशीन खास करके एच बेंडिंग, उसके बाद लेमिनेट फिनिशिंग, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा माना रहता है। तो नदी का ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों ये आपको ओपन करके दिखा देते हैं इसके अंदर क्या रहता है। ये देखिए ये टाइट करने के लिए इस प्रकार से बना रहता है दोस्तों, ये इस प्रकार से अंदर जाता है, और यहाँ से जो है इसको लगाते, कभी भी आप बिट लगाते दोस्तों तो ये इसको बाहर मत रखिए, जितना अंदर जाता है दोस्तों उतना अंदर लगा के इसको टाइट कीजिए, ताकि जो है अच्छा से वो मशीन चलाने के टाइम पे वाइब्रेट ना करे थोड़ा भी। और इसको हम अच्छा से टाइट कर देंगे दोस्तों। टाइट करने के बाद दोस्तों इसको हम बताएंगे कि आपको फिनिशिंग किस चीज़ से कैसे करना चाहिए दोस्तों, वो हम आपको बताएंगे। तो इसको अच्छा से टाइट कर देते हैं, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों ये हो गया। अब विवेक थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाएंगे, तो इसको हम सेट करने का तरीका बता देते हैं। देखिए दोस्तों अब जो है दोस्तों इसको सेट करना है, यहाँ विवेक नज़दीक से दिखा दीजिए। इस प्रकार से एक जो है दोस्तों हम ये ले लेंगे, देखिए। और यहाँ से अगर आपको दिख रहा है दोस्तों तो हम आपको दिखाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। अगर ये एक बार में आप सेट नहीं कर पाते दोस्तों तो 2-3 बार में अच्छा से सेट कर लीजिए। एक बार जब आपका परफेक्ट सेट हो जाएगा दोस्तों उसके बाद काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों ये चेक करेंगे तो आपको अगर दिख रहा है तो नज़दीक से देखिए, अभी जो है थोड़ा सा ये जो बीट है यहाँ वाला ये नीचे बता रहा है, ये देखिए थोड़ा सा और है जो इसको नीचे कर सकते हैं। ये जो वाला पॉइंट है दोस्तों जो ये देख रहे हैं ये ऊपर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको जो लेमिनेट है उस पर जो है देखिए इस प्रकार नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे इसको हम। ये देखिए दोस्तों इसको लेना है इस प्रकार से, इस पे बिट पे चढ़ा के ऐसे टच कर देना है। टच करने के बाद दोस्तों ये जहाँ पे भी आएगा उसको टाइट कर देंगे, ये देखिए इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको अच्छे से टाइट कर दिए। अब और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात आपको बताते हैं, ये जो आपका बैरिंग रहता है दोस्तों ये बैरिंग जाम कैसे हो जाता है वो आपको बताते हैं। फेविकोल लगाते हैं दोस्तों, फेविकोल लगा के जब फिनिशिंग इसको करते हैं तो आपका जो फेविकोल रहता है बैरिंग में जाके बिल्कुल जस्ट बैठ जाता है, आपका बैरिंग बराबर से चलता नहीं है तो फिनिशिंग बराबर से होता नहीं है। तो एक क्या कीजिए, छोटा जो तेल का या फिर ऑयल का डब्बा रहता है दोस्तों वो रख लीजिए, और थोड़ा थोड़ा टाइमिंग के बाद दोस्तों इसमें डालते रहिए, जिससे कि वो फ्री रहेगा, फिनिशिंग भी अच्छा होगा और इसमें कुछ कचरा बैठेगा नहीं। अब चलिए दोस्तों एक दो दरवाज़ा आपको फिनिशिंग करके दिखाते हैं दोस्तों, तो चलिए अब वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, चलिए फिनिशिंग करके बताते हैं। तो दोस्तों आपको सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों, जब आप ट्रिमर मशीन चलाते हैं फिनिशिंग करते हैं तो आपके आंख में जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा कचरा जाता है, तो आप देख भी नहीं पाते बराबर से और बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है दोस्तों। इस तरह का जो ग्लव्स होता है दोस्तों आंख में गॉगल्स बोलते क्या बोलते नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसको लगा लेना दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों पहले जो यहाँ पे देखेंगे विवेक जी दिखाएंगे नज़दीक से, माइक नहीं लगाया हूँ, हो सकता वॉइस थोड़ा सा अलग आ रहा होगा, तो इसको जो है हम पहले क्लीनिंग करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है दोस्तों, दोनों तरफ से करेंगे यहाँ से भी। दोस्तों ये एक्रेलिक सीट है इसलिए इस पर क्या हो रहा है, इसका जो बैरिंग का दोस्तों है मार्किंग इस पर पड़ रहा है, इसलिए दोस्तों हम लोग टेप डाल दिए हैं, आप टेप डाल के फिनिशिंग कीजिए। और दोस्तों ये जो मशीन जब चलाते हैं तो बहुत ही आराम आराम से चलाइए, जिससे कि जब आराम से चलाएंगे ज़्यादा RPM पे चलेगा तो बहुत ही नीट मतलब बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा, तो इसको करके दिखाते हैं आपको। अब दोस्तों जब आप मशीन चलाते हैं तो बहुत ही आराम आराम से चलाइए, बहुत आराम से चलाएंगे तो आपको जो फिनिशिंग है बहुत ही परफेक्ट आएगा।
और देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो हम लोग टेप इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि बैरिंग का जो निशान है दोस्तों वो एक्रेलिक शीट के ऊपर पड़ जा रहा था, क्योंकि बैरिंग जो है दोस्तों फिनिशिंग करने के टाइम पे थोड़ा सा गर्म होता है और जब उस पर निशान पड़ जाता है तो वो स्क्रैचेस जैसा दिखता है दोस्तों, स्क्रैचेस ही निशान होता है। तो इसको अच्छा से फिनिशिंग कर लेंगे दोस्तों इसी प्रकार से, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों एक बार में नहीं हो रहा तो मशीन दो बार से तीन बार में चलाइए, लेकिन जो है आपका काम है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये देखिए दोस्तों ये हो चुका है, कोना भी दोस्तों इसको अच्छा से हम कर देंगे। तो इसका जो फिनिशिंग करना था हम लोग कर दिए, अभी आपको नजदीक से दिखाएंगे दोस्तों। ये टेप जो है फिर से निकाल देते हैं, टेप इसलिए डाली है दोस्तों क्योंकि ये लेमिनेट पे अगर रहता दोस्तों तो यहाँ पे अच्छा सा फिनिशिंग आ जाता, टेप डालने का जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ पे दोस्तों इसलिए पड़ गया है क्योंकि दोस्तों स्क्रेचेस आ जाएगा आपका जो बैरिंग है। अब दोस्तों यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा फेविकोल रहते हैं इसको आपको किस चीज़ से साफ करना चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको हम पर्ची से साफ कर देंगे सादा पानी से साफ करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं, इसको दोस्तों किस चीज़ से आपको साफ करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसको किस चीज़ से साफ करना चाहिए यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है दोस्तों ये डायमंड पाना है जो कि दोस्तों यहाँ पे ये लेमिनेट के ऊपर चलता है, इससे लेमिनेट फिनिशिंग का काम किया जाता है। आप सोच रहे होंगे इसमें और उसमें क्या डिफरेंस, तो वो हम आपको बता देते हैं। इसमें जब कभी भी आप धार लगाते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि पीछे की तरफ बराव नहीं आता है, और जब पीछे की तरफ बराव नहीं बनेगा तो इस पर स्क्रेचेस नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों इससे जो है थोड़ा सा क्लीन करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों खाली दोस्तों इसको ही बस क्लीन कीजिए, और अगर टेप निकालने से पहले अगर करना चाहते हैं तो उससे पहले ही कर लीजिए, अगर थोड़ बहुत है तो छोड़ दीजिएगा और थिनर से साफ हो जाएगा दोस्तों। लेकिन बहुत ही आराम आराम से साफ कीजिएगा, बिल्कुल स्क्रेचेस नहीं आना चाहिए, नहीं तो जो आपका काम का फिनिशिंग हो चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे आपको दिखाते हैं अपना जो कुछ दरवाज़ा है जो कि हम फिनिशिंग कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों अब आपको दिख रहा है कि ये मॉड्यूलर किचन का जो कंपनी फिनिशिंग डोर है वैसा दिख रहा है, ये पूरा कंप्लीट लगने के बाद भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो इसलिए अभी बता दे रहे हैं कि हो सकता है आप लोग सोचेंगे कि एक ही दरवाज़ा हम करके छोड़ दिए, तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इतना जो दरवाज़ा है हम लोग कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल जिसका जो कॉर्नर सर होता है दोस्तों वो भी पूरा मोल्डिंग टाइप बन रहा है पूरा। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये अपना बहुत सारा जो इसका डस्ट निकल रहा है दोस्तों, और ये अपना ग्लव्स है जो आँख में गूगल्स लगाते वो है उसके बाद दोस्तों। ये देखिए अपना ट्रिमर मशीन दोस्तों, और ये है दोस्तों इसमें हम लोग थोड़ा बैरिंग जो फ्री रहे इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाल दे रहे हैं इसमें, बाद में देखेंगे दोस्तों। तो ये अपना कुछ दरवाज़ा अभी जो है बाकी है, यहाँ पे देखिए दोस्तों इस किस प्रकार दिख रहा है ये, और यहाँ पे देखेंगे फाइनल होने के बाद ये किस प्रकार दिख रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। तो दोस्तों इस तरह से जो मॉड्यूलर किचन का दरवाज़ा है तो दोस्तों आप आराम से बना सकते हैं। याद रखिए दोस्तों MM में कट कीजिए दोस्तों, और कभी भी आपको बनाना है फैक्ट्री में भी देना यानी कि कंपनी में देके भी बनवाना है दोस्तों, तो एक इंच बड़ा रख के जब आप MM में मेजरमेंट करके देंगे तब जो है दोस्तों परफेक्ट आपको कटिंग करके देंगे। और काम करने के टाइम पे दोस्तों आपका जो बॉक्स होता है उसको बराबर से सेट करके रखिए, यानी कि उसको जब फिक्स करते हैं वाटर लेवल में कीजिए, ओलम में कीजिए, गुनिये में परफेक्ट रखिए, तब जो है आपका काम जो है परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों अपना जो पूरा मॉड्यूलर किचन का दरवाज़ा बनाना था दोस्तों हम बनाए हैं। एक ही मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।